जय श्री कृष्णा। कलकत्ता से किशन दागानी, एस्ट्रो के पीआर। आज ये जो मैं ये दूसरी सीरीज़ दे रहा हूँ शनि मार्गी होने की, 4 नवंबर 2023, माना परसों से सुबह 8:15 बजे शनि वक्री में से मार्गी हो रहे हैं, माना उनकी वक्र दृष्टि जो सब पे थी ना, बहुत परेशान कर रही थी, अब सबको राहत की सांस, शनि की दृष्टि मार्गी होगी। क्रूर नक्षत्र है ना, इनकी वक्री दृष्टि बहुत ख़राब होती है, बड़े बड़े फैसले कर जाती है और परेशानियां होती हैं। तो मैं आप सबको राहत की सांस देता हूं। इससे पहले मैंने मेष से कन्या तक सबको बताया था, आज मैं आपको तुला राशि से लेके तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, 6 राशियों की बता रहा हूँ। ये आपका परिवर्तन 29 जून 2024 तक रहेगा, फिर आगे जाके 2025 में तो ये स्थान परिवर्तन करेंगे, तो इसमें मकर राशि वालों को तो आज़ादी मिल जाएगी, लिबरेशन फ्रॉम 7.5। मैं बधाई देता हूँ आपको मकर राशि वालों। इससे आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है, तुला से। तुला राशि में, तुला राशि पहले बहुत ज़बरदस्त फंसी हुई थी राहु केतु के ट्रायंगल में, माना केतु इनके साथ था, तो वो एंगल 30 अक्टूबर को चेंज हुई है, तो तुला वालों का तो पिछला जो 1.5 साल था ना, नरक तुल्य था। दुनिया भर की चीज़ें, उठा पटक, जगह बदलना, स्थान बदलना, माना रिनोवेशंस, इनोवेशंस, माना बहुत परेशान थे तुला वाले। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, राहत की सांस लो, आपके गए इतना टाइम, अब आप आराम से रहो। सुनो, राहु केतु भी हट गए, माना आपकी जो मन में जो थी ना, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किसको सेटल करूँ, माना एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है, वो गाना था ना, बिल्कुल आपके साथ चल रहा था, वो ख़त्म है। अब आपको वक्री की परेशानी ख़त्म, आपको मतभेद जो थे ना जीवन साथी से, उसमें आपको, आप सावधान हो गए हो, अब आपको सही रास्ते मिल गए हैं। माना आप वो जीवन साथी प्रेमी से भी कुछ ऐसा था कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, तो आप उस ओह पोह में से भी निकल गए। मार्गी होते ही आदमी होता है ना परेशान होता है, भाई क्या करूं, किसको करूं, और फिर तो आप तो तुला राशि वाले हो, आप सबको अपनी जगह पर बिठाते हो, भाई को, बहन को, पापा को, दादा को, नाना को, पड़ोसी को, साले को, साली, आपको सब चाहिए, तो ऐसे आदमी के लिए बड़ा परीक्षण होता है। और फिर राहु केतु की एक्सिस में फंसे हुए थे, शनि की वक्र दृष्टि, माना आपके 3 किलो वजन था, वो 3 उठ गए, अब आप लिबरल हो, ठीक है, आपको बहुत मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन मतभेद जो जीवन साथी से है ना वो ख़त्म है, लेकिन आप अपनी वाणी को संभालना, ठीक है, और अपने गुस्से पर काबू करना। शनि धीरे धीरे शनि शनि आपके पक्ष में आ रहे हैं, सुनो, माना आपको सब कुछ दे देंगे, आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा देंगे। राहु 6 में आ जाएगा, आ गया है, तो वो आपके ऋण रोग शत्रु, आप पे ऋणों का कर्जा होगा, सुनो वो उतरना है। क्या राहु 6 में आ गया ना, वो येन केन प्रकार आप हट करके अपने ऋणों को भी उतारोगे, शत्रुओं को भी समझा दोगे, और आपकी बीमारियां भी कम होगी, शरीर में स्फूर्ति दिखेगी, और गुरु भी आपका प्लस हो गया, वो चंडाल से मुक्त हो गया, तो आपको तो चारों तरफ से राहत दिख रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है भाई ये परिवर्तन ना तुला राशि के लिए मूल चूल परिवर्तन है। सुनो भाई, आपने जितने कर्जे लिए भुगते पिछले 1.5-2 सालों में, सबको नमस्ते कर दो, अब राहत की सांस लो, ईश्वर का नाम लो, आपके संतानों को है ना कोई बड़ी बड़ी भाई अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, उनको परक्विजिट्स मिल रही हैं, उनका सम्मान बढ़ रहा है, और सीधी सी बात कहूँ तो
तुला राशि वालों, आपको सच्ची बात बताऊं, जीवन में 30 साल बाद सही समय आया। मेरी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती है। आपका दिग्बली शनि है, अब आपको 30 साल बाद आके उसने राहत दी है। अब आपकी आसमान की ऊंचाइयां शुरू होगी, और ये जो मैंने 8+ दिया है ना, तो आप भविष्य में 12+ मान लो, 12+। किशन रागानी से थोड़ा संयम और गुस्सा कम करो, दाम्पत्य में एडजस्टमेंट करो, सब चीज़ें आपके पक्ष में आती जाएंगी धीरे धीरे, शने शने। आपका दाम्पत्य भी ठीक हो जाएगा, आपका धन भी ठीक हो जाएगा, आपके मनोरथ 100% पूर्ण होंगे। ये मैं आपको सत्य प्रतिज्ञा से बोलता हूँ। यश मिलेगा, कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आपके हाथ लगने वाली है। तुला राशि वालों, शनि क्या आप दिग्बली हो ना, शनि तुला में दिग्बली होता है, तो आप ये था कि कोई बहुत बड़ा आदमी है ना, 30 साल से परेशान था, आपकी उम्र से काट लो, अगर 40 को तो सुना 10 साल तक आप जितने खुश थे ना, उतने खुश अब रहोगे, समझ गए, ये ध्यान रखना। 30 साल के बाद राहत आई है। मैं कैलकुलेट करके मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार इनका तो जैकपॉट खुल गया, बना बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो 4th हाउस, इनको शश महापुरुष योग आया है। वृश्चिक राशि वालों, आपको ऐसे फील नहीं हो रहा है कि भाई 10-15 दिन से ही आपके घर में चमत्कार हो रहे हैं, आपकी आमदनी, खुशियाँ, माना धन भवन वान आभूषण सब मिल रहे हैं आपको, दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है। लेकिन 4 नवंबर से ये स्पीड बढ़ेगी, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। वृश्चिक राशि अर्ध जल तरती राशि हो, वैसे भी वृश्चिक राशि वालों को कोई छेड़ नहीं सकता है। क्या ये बहुत मजबूत होते हैं, 12 राशियों पे हावी होते हैं, सिंह पे भी हावी होते हैं, राजा पे भी तो वो ऐसी बात नहीं है। तो आपको तय है कि आप है ना 30 साल बाद सुख की शांति ले रहे हो, और आपके घर, धन भवन वाहन आभूषण सब में फायदा हो रहा है, गाड़ी भी नहीं खरीद सकते हो आप, मानसिक सुख, प्रॉब्लम्स खत्म, सीने का दर्द और नसों का दर्द थोड़ा रहेगा। देखो मैं बताऊँ, शनि क्या शरीर पे कष्टी दे रहा है, नसों का दर्द हो आपको, आपकी माँ की सेहत हो, या कोई अकारक महादशा चल रही है, तो उसका थोड़ा आपको असर होगा। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी, आप शत्रुहंता होकर ही रहोगे। वृश्चिक राशि वाले बड़े मजबूत होते हैं, ठीक है ना, साहसी भी होते हैं, आपके कर्म भाव में बहुत फायदा होगा, और आपके धैर्य में वृद्धि होगी। और जो शनि की पसंद है भाई, धैर्य, शनि शनि आसमान, तो आप में भी वो गुण आ जाएगा। आप जॉब चेंज करो, बढ़ाओ, प्रमोशन करो, चारों तरफ फायदा दिख रहा है, जो चाहे सो करो। सरकार में आपको बैठना है, पार्टी की टिकट लेनी है, इलेक्शन जीतना है, सब हाँ 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 भाई हाँ, जो चाहे सो करो। वृश्चिक राशि वालों, मेरी आज्ञा है। जॉब, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सतर्क रहे भाई, जैसे ये चीज़ आपके हाथ में है तो इसको तब तक ना छोड़े जब तक इससे बड़ी चीज़ उस हाथ में आ जाए। आप एक ये बस ये कैच रख देना, पॉलिटिक्स में हो, उद्योग में हो, व्यापार में हो, फिल्म डिवीज़न में हो, या कहीं भी हो, आप जज हो, कोई ऑफिसर हो, एम्बेसडर हो, डोंट लीव द थिंग्स व्हाट यू पजिस अनलेस यू गेट सम मोर। छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, मेरी बात को समझे आप, अपनी जगह सही रखना है। और जॉब्स तब छोड़ें जब दूसरा जॉब हाथ में आए, वही बात कह रहा है, ठीक है ना। आपका ट्रांसफ़र तो होगा नहीं, होगा तो सही जगह पर होगा। आपको थोड़ा अपने पेट की बीमारी का ध्यान रखना चाहिए, कहीं जैसे हिसाब है,
बाकी शनि वक्री परेशान थे, आप बहुत परेशान थे, शांति भंग दी आपकी। अब सारी उपलब्धियां धीरे धीरे आके आपके दरवाजे को नॉक नॉक करके आपको खुशियां देती जाएगी। शनि ने वक्री में बहुत तपाया था आपको, अब आपका रुतबा, मान सम्मान, इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा। आप खुद इसका ध्यान रखें, बस आपको ध्यान रखना है कि भाई आप अति मत करो, क्या शनि अति करने वालों से नाराज़ होता है। आपका नाम अच्छा होगा, ख्याति अच्छी होगी, दोस्तों रिश्तों में फैसले में आपको आगे सुनेंगे, आपके दोस्त पूछेंगे भाई मैं क्या करूं, ऐसे दिन आपके आने वाले हैं। आपको हनुमान और शिव की आराधना करनी चाहिए और इनके जो भी उपाय ना भाई, हनुमान के क्या हनुमान चालीसा, ये कलावा बांध के उनके चरणों को छू के पहन के आ जाओ, मिठाई पहुँचा 500 ग्राम ले जाओ, पंडित को दे दो, वो आपको वापस देखो, नहीं साहब ये आपके लिए है, मिठाई खुद मत ले आना, खुद खा लेना और निकल के आ जाना, दाता आपको सुखी कर देंगे। और शिव भगवान पे कभी शहद, कभी गन्ने का रस, कभी दूध, कभी अनार का रस 5 बार चढ़ाओ, ये डेढ़ आपको ये ऐसा चलेगा कि आपकी दोबारे न्यारे हो जाएंगे 2025 तक, ठीक है। अब धनु राशि, इनके तीसरे भाव में ये चेंज आई है, आप बहुत परेशान थे धनु राशि से, मैं भी परेशान था मेरे जातक। अब क्या जो परेशान होगा वो तो गुरु को कहेगा भाई आपने उपाय बताया, अरे भाई क्या करूं, ऊपर वाला भी तो माने हैं, क्या कर्मों का फल होता है और वो स्टार्स ही देते हैं, हम तो भाई कम्युनिकेटर है भाई भगवान और आपके बीच में, आपका भाई समय थोड़ा सुख से निकाल ले। तो मैं धनु राशि वालों को काफ़ी भाई फौरन से फ़ोन कर भाई घर जाऊं, बड़ा सोच समझ के उनको बताता हूँ यहाँ अब निकल लो, कैलकुलेशंस कर करके उनको मैंने टाइम पास करा, अब आराम है आप लोगों को भी और मुझे भी। धनु राशि वालों मैं बताऊँ, वक्री से मार्गी, अब बहुत अच्छा दिन है, आपको कम मेहनत से ज़्यादा फल मिलेंगे। मैं पहले जो था रुक रुक के आ रहा था, नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा था, परेशान हो गए थे, भैरव जी के पीछे पड़ गया था मैं तो, भैरव भगवान इनको क्षेत्र के अधिपति, संभालो इनको, तो भगवान ने सबकी सुनी है, अब आप कंफर्टेबल हो, आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किए हैं और आपकी तो राशि बहुत उत्तम है, गुरु की राशि है तो आप तो सेक्रीफाइस करने वाले हो। लेकिन एक आपको मैं राय देता हूँ, कुछ अपनी भी सोचो, ठीक है ना, आप क्या धन आते ही दूसरों को बरसाना शुरू कर देते हो, कुछ अपनी सोचो, ठीक है। दाता आपको सुखी करेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 2025 तक तो आप है ना किंग और क्वीन हो जाओगे धनु राशि वालों, लिख लो मेरे से, मैं आपको वादा करता हूँ, बहुत अच्छा समय आ रहा है, आपके भाग्य में कोई कमी नहीं होगी, खूब तरक्कियाँ होगी, गुरु सब संभाल लेंगे, रिश्तों की परेशानियाँ, गलत फहमी दाम्पत्य में है तो उनको आपको थोड़ा संभालना है, ये आपकी होमवर्क है, रिश्तों को और छोटे भाई बहनों से रिश्ते आपको संभालने पड़ेंगे, ठीक है, ये आप करना। और पार्टनरशिप कोई भी करें तो सोच समझ के करें, अपने ज्योतिष से उसकी फ़ोटो दिखा के और उसकी बर्थडे दिखा के चेक करके फिर करें, ठीक है। आपका भाग्य अच्छा है, आपको अपनी पिता की सेहत का ध्यान रखना है और उनके साथ खड़े रहना है, आपको आपकी उनको ज़रूरत पड़ सकती है। लीगल हॉस्पिटल के खर्चे आपके कुछ बढ़ेंगे लेकिन उससे आपकी मुसीबतें कम हो जाएगी, समझ गए, आपके खर्चे बढ़ेंगे भाई, आएगा तभी बढ़ेगा ना, तो आप कंफर्ट तो पाओगे, ये इट इज़ बट नेचुरल, ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मार्गी है शनि तो आपके पराक्रम बढ़ाएगा, भाग्य बढ़ाएगा, आपके फायदे बढ़ाएगा, दाम्पत्य सब में कुछ ना कुछ फायदे ही फायदे देगा, ये इज इन योर फेवर, एक्चुअली शनि भगवान आपके फेवर में है। तो हनुमान चालीसा और शनि भगवान की ओम शन शन चराय नमः और जाप करो 2025 तक तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, मैं बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है, समझ लो बाहर की शुरुआत है, आगे बड़े मैदान मिलेंगे,
दाता सुखी रखे आपको। अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि दूसरे भाव में। मकर राशि बहुत परेशान थी 7.5 साल, ओ माय गॉड, बस इनकी विधाएं देख देख के मैं भी परेशान था मेरे जातकों के पीछे मकर राशि वालों। अब मैं आपको बताऊं, सब राहत पा जाओ, अभी मार्गी है 2025 में, आपको शनि भगवान को कह दो बस दुआ रखना, अब 30 साल बाद मिलना, आज मिले हो 30 साल बाद मिलना, ये होगा। ठीक है, तो आप को तो मैं सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ, हालांकि मैंने 8+ लिखा है, तो ये सोचकर मैं 9+ दे रहा हूँ आपको, सच्ची बात है, मैं 9+ कर देता हूँ। क्या आपकी शनि की 7.5 मेरे दिमाग से बाहर निकल गई थी, वो हट रही है, वो अच्छी बात है। अब राहु तीसरे में उच्च आसमानी ऊंचाई, आपकी मेहनत से सब पालेंगे आप, 4 भाव में गुरु, शुभ प्रॉपर्टीज, लंबे लंबे फार्म हाउस, खुशी के सामान, ऐश्वर्य के प्रसादन, शनि शनै शनै आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, थोड़ी तुरंत तुरंत नहीं ले जाएंगे, देखो शनि, आप ये मत कहो गुरु जी आपने बोला अभी हफ्ते पर बाद ही पूछ लो, धीरे धीरे, शनि क्या धीरे चलता है, धीमा लेकिन मजबूत, माना मजबूत स्टील का बना हुआ होता है शनि, मजबूती देता है, मैं उसको तीसरा शनि बोलता हूँ जो सबसे मजबूत है, उसके सामने दुनिया नहीं कुछ नहीं कर सकती, वो होना है आपका मकर राशि, लो याद कर लो, 4, 8, 11 की दृष्टि महाधन योग है, 4, 8, 11 पर दृष्टि है आपको, 4 कुटुंब, 8 पाताल की कमाइयाँ, 11 खुद की कमाई, चारों तरफ से, अगर नेताजी हो या कोई फिल्म स्टार है तो आपकी फिल्में हिट हो रही है, फिल्में प्रोड्यूसर हो, कोई एम्बेसडर हो, बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग हो रही है, जहाँ चाह रहे हो, माना आप मकर राशि वालों बाहर ही बाहर है, घर के वातावरण में आपको थोड़ा साथ नहीं मिलेगा लेकिन बाहर आप खुश रहेंगे, आपको घर वालों की थोड़ी मदद और शांति पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा आराम से चलाइए। ठीक है, धन लाभ होगा, आपकी मेहनत क्षेत्र से लाभ मिलेंगे, लेकिन शनि ने एक आपको सावधानी दी है शास्त्रों में, ये कहते हैं कि बेटा ठगी से न करना, ठगी मत करना मकर राशि वालों, क्या आप शनि की खुद राशि हो, समझे मकर वाले, आपकी स्वयं राशि है, शांति और मेहनत से आगे बढ़े, उफ न करें, आराम से चलते जाएं, 10 गुना लाभ मैं दूंगा, शनि ने आपसे वायदा किया है, आपको 10 गुना लाभ मिलेगा, राजनीति से नए नए रास्ते मिलेंगे, धन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, पैसा आएगा, घर की शांति रखें, कागजात के मामले में सतर्क रहें, सुने सबकी, करें मन की, हनुमान 40 का पाठ, बंदरों को खाना, 7.5 की परेशानी ख़त्म, मैं आपको बधाई देता हूँ मकर राशि वालों, आपको दाता सुखी कर देंगे। अब आते हैं कुंभ राशि पर, कुंभ राशि के लगन पर है ये, तो यह शश महापुरुष योग आया है आपके पास और आपको 8 गुना तरक्कियों की संभावनाएं हैं, माना आप जहाँ हो ना उसे 8 गुना समझ लो, शुरू हो गई बात, आपकी ज़िंदगी में 30 साल के बाद शानदार समय आया है कुंभ राशि वालों, ये आप जान लो, आपका प्रताप, आपका पराक्रम, आपकी ऊंचाइयां, आपकी मेहनत सब रंग दिखाएगी, सफलता की आप बहुत बड़े बड़े भाई मुकाम पाओगे, नए मौके मिलेंगे। आपको एक बात और करनी है, मुझे सब तरफ ठीक दिख रहा है, आपके परिवार में किसी की भी सेहत का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों, फिर चाहे सेहत जीवन साथी की हो, औलाद की हो, या कोई भी तकलीफ हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाना, इट इज़ माइनर थिंग, थोड़ी आइडिया दे देता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, वर्क प्लेस चेंज होगा आपका, वेन आप जहाँ पर बैठे हो ना वहाँ से बदलोगे,
भाई जिस मकान में नए मकान में जाओगे, जिस शहर में उससे अलग शहर में जाओगे, व्यापार भी बदलेगा, लेकिन कोई भी तुरंत बदलाव न लाएं। भाई सिडिशन में आकर भाई मुझे ये काम कर रहा है इससे फ़ायदा हुआ बढ़ाओ, बिल्कुल मत करना, ये ग्रीड में डाल के आपको लूटने वाली बात हो जाएगी। राहु है ना, देखो पीछे राहु है, और दूसरे भड़काएंगे। आप अपनी बुद्धि से चलो, शनि की धैर्य को अपनाएं, ज़बरदस्त आपको फायदे हो रहे हैं। हनुमान और विष्णु आराधना आपको काम आएगी। 7:30 में आप कंफ्यूज हैं, उसको कंफ्यूज ना हो, आप खुद को ओम शन शन चरा नमः करके, प्राणायाम करके जो फैसले लोगे बहुत अच्छे बैठेंगे। आपकी मदद कोई नहीं करेगा, मैं बताऊं, यू आर द सेल्फ हेल्पर टू यू। ये बोल के मैं आपका संज्ञान पूरा करता हूँ। अब मीन राशि, मीन राशि ये आखिरी है, 12वीं, आपके लिए समय बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि पहले जब वक्री था तब बहुत ख़राब था, उससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं है कि 7:30 की शुरुआत है तो दुनिया के आपको रंग दिखाएंगे। क्या क्या रंग दिखाए ये ज़िंदगी, रोए और रुलाए ये ज़िंदगी। मीन राशि वालों, आपके लिए ये है, भाग्य थोड़ा दुर्बल है, आपको पापियों से वास्ता होगा। शनि कहता है कि खुद करो, दूसरे नहीं करेंगे। खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, अपने धन को शत्रुओं से संभालो। गुरु आपकी सहायता कर रहे हैं, क्या वो आपके राशि के मालिक हैं, तो वो आपको काफ़ी बचा देंगे। सुनो, तो मैं इसमें आपको 6+ दे दूंगा, क्या गुरु है ना, वो आपको इन चीज़ों से बचा देगा। भाई आपके पहाड़ जैसी मुसीबत होगी ना, वो राई होके आ जाएगी, गुरु आपके साथ हैं। ये मैं आपको शुभ संदेश दूँ, मुझे ये ज़रूर देना है। और आपका धन तो बढ़ेगा, धन की तो कोई कमी नहीं है। सुनो मीन राशि वालों, खाली पीड़ा है, अपनों की पीड़ा है मिलेगी बस, और परेशानी वो ही आएगी, बाकी तो कुछ नहीं है। आप बेफिक्र रहें, आपको चारों तरफ से कंफर्ट है, करना आपको खुद है जो भी करना है, और ईश्वर की आराधना करो, भगवान हरि विष्णु की आराधना करो, भोलेनाथ की आराधना करो, और गुरु की, भगवान हरि विष्णु की, चने की दाल दान करना, पीले कपड़े पहनना, हल्दी बाल्टी में डाल के नहाने की में उससे नहाना, सब ऐसी चीज़ें करना, तो आपके दिन सही हो जाएंगे। तो प्रिय जातकों, ये आप शनि के मार्गी होने की मैंने ये अंतिम किस्त आपको दे दी। दाता आपको सुखी रखें, आप इस निर्देश पे चलेंगे तो ये आपका समय चुटकियों में बीत जाएगा, आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी। क्या है, हमें ईश्वर जो ये विधा देते हैं ज्योतिष की, वो आपको आराम पहुंचाने के लिए है। भाई संसार में सब चीज़ें होती हैं, उनको आप कैसे निकल लो उसका ही रास्ता होता है। दाता सुखी रखे, ईश्वर हम सबका कल्याण करे। आप चैनल को प्रेस्क्राइब करें, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।